सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे सरसों का साग बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सरसों का साग बनाना स्टार्ट करते हैं। सरसों का साग मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। एक किलो मैंने सरसों का साग लिया है। बाथू शामिल कर रही हूँ इसके अंदर 1 kg। मिट्टी की हांडी में साग थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हैं, एकदम शामिल नहीं हम कर सकते। ऊपर हम ढक्कन रख देंगे, थोड़ा सा साग नीचे होगा फिर और साग हम शामिल करेंगे। अब कवर कर देंगे, जैसे ही साग थोड़ा सा नीचे होगा फिर बाकी साग शामिल करके बाकी मसाला जात शामिल करेंगे। साग को हमने कवर कर दिया था, उठाएंगे ढक्कन, साग थोड़ा सा नीचे होगा, जगह बन चुकी है। और बाकी साग शामिल करेंगे। इससे पहले मैं आपको मिट्टी की हांडी में साग सिखा चुकी हूँ, उसमें मैंने पालक शामिल की थी। सेम उसी तरीके से बनाएंगे। इसमें मैंने बाथू शामिल की है। बाथू से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और पालक से भी। आप पालक और बाथू इकट्ठा भी शामिल कर सकते हैं, दोनों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही आप इसमें पानी शामिल कर देंगे 3 गिलास। तीन अदद हरी मिर्ची शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे भर के, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। साग ऑलरेडी अपना पानी भी रिलीज करेगा। सर्दियों के मौसम में साग खाने का बहुत ही मज़ा आता है। मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे, लो फ्लेम पे पकाएंगे साग को। जैसे साग हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा फिर इसे घोट लेंगे आटा डाल के। साग को हमने पकने के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख लिया था। साग हमारा गल चुका है अच्छी तरह से, थोड़ा सा पानी है, पानी थोड़ा सा रहना चाहिए क्योंकि हमने थोड़ा सा इसके अंदर मकई का आटा शामिल करेंगे। अब डोई की मदद से ऐसे ऐसे थोड़ा सा मैश करेंगे। फ्लेम आपने ऑन रखना नीचे। थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे, साथ ही हम तड़के की भी तैयारी कर लेंगे साथ साथ। ये देखिए तड़के के लिए मैंने 4 अदद हरी मिर्ची ली हैं, 5 से 6 अदद जवे लहसुन के लिए, 3 से 4 टुकड़े अदरक के लिए। इन तमाम अज़ा को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे, फिर हम तड़का लगाएंगे इसका। साग को मैश करते जाएंगे। साग को हम डोई की मदद से मैश कर रहे हैं। थोड़ा सा साग हमारा मैश हो चुका है। साथ ही हम इसको घोटना शुरू करेंगे। पहले डोई की मदद से थोड़ा मैश किया है, अब आपको मधानी ले सकते हैं। मधानी की मदद से जो या कुंडी डंडा जो होता है उसकी मदद से आप कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आप साग सिखा चुकी हूँ, फिर मैंने इसकी मदद से किया है। ये देखिए ऐसे। साथ ही हम आटा शामिल करते जाएंगे, मकई का आटा, आप गंदम का आटा भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये मकई का आटा मैं शामिल कर रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऐसे मिक्स करते जाएंगे साथ साथ, गोल गोल घुमाते जाएंगे। अभी मैंने 2 टीस्पून शामिल की है अभी, और इसमें मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी।
थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। फ्लेम आपने ऑन रखना नीचे बिल्कुल लो। साग को हम लगातार घोट रहे हैं। अब साथ ही हम मकई का आटा और शामिल करेंगे। इससे पहले मैंने 2 टीस्पून ऐड किया था और 3 टीस्पून और शामिल कर दिए। मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से। लगातार चलाते जाएंगे। जैसे थिक होना शुरू हो जाएगा साग फिर हम तड़का लगाएंगे। साग को हमने मज़ीद अच्छी तरह घोट लिया है। इसमें तकरीबन मैंने मकई का आटा 1 टेबल स्पून शामिल की है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती गई हूँ और साथ साथ घोटते गए। लगातार आपने साग को मिक्स करना अच्छी तरह से घोटना है। अब साग हमारा अच्छी तरह से घोट चुका है तकरीबन। अब तड़का लगाएंगे। तड़का रेडी कर रहे हैं। मैंने बटर शामिल किया है तकरीबन 5 टेबल स्पून है। इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो हमने चॉपर में चॉप कर ली वो शामिल करेंगे। फ्राई करेंगे हम बटर के साथ। जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा कलर चेंज हो जाएगा। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और उसके बाद साग में शामिल कर देंगे ये तड़का। मीडियम फ्लेम पर तड़के को फ्राई करेंगे। हमारा रेडी हो चुका है। लहसुन अदरक हरी मिर्चें ब्राउन हो चुकी हुई है। अब इसमें 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। साग के अंदर शामिल करेंगे। इस तरीके से तड़का लगाएं। बहुत ही ज़बरदस्त आपका साग बनेगा। इसी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा साग उठाकर पैन के अंदर शामिल करेंगे। दोबारा से शामिल कर देंगे। मज़ेदार सरसों का साग तैयार है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको मिक्स करेंगे। मज़ेदार सरसों का साग हमारा तैयार है। आखिर में हम बटर के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।